धर्मनगरी हरिद्वार की जनता से किया हुआ वादा हमने निभाया, ये कहना है मदन कौशिक का। इस साल 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वही लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, वही सत्ताधारी पार्टी भी अपने बचे हुए कार्य करने की होड़ में लगी है, जिससे कि वह दोबारा जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तरी हरिद्वार में लंबे समय से लोगों की मांग पर प्राथमिक चिकित्सालय का शिलान्यास किया। कोरोना प्रोटोकॉल और भारी बारिश के कारण कम लोगों की उपस्थिति में ही यह कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि लोग लंबे समय से उत्तरी अधिकार के लोगों ने चिकित्सालय, डिग्री कॉलेज, सीवर और सड़कों की मांग चली आ रही थी, जिसमें हमने उनके सारे कार्यों को पूर्ण किया है। आज हमने प्राथमिक चिकित्सालय का शिलान्यास किया, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर चलेगा। वहीं उत्तरी हरिद्वार के लोगों के लिए डिग्री कॉलेज भी सुचारू रूप से आरंभ हो गया, जिसमें सारी फैकल्टी और बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। उत्तरी हरिद्वार में सीवर के कार्य के लिए पैसे मंजूर हो गए और इलेक्शन के बाद यह कार्य भी तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। हमने जो जनता से वायदा किया था उसको निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज ने यहाँ के हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है, युद्ध स्तर पर काम शुरू हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगले एक साल में काम पूरा करना है। भूपतवाला के लिए दो बड़े काम थे, एक डिग्री कॉलेज, उसमें 56 एडमिशन हो गए हैं, सारी फैकल्टी आ गई हैं, बच्चों की पढ़ाई अब जैसे ही कोरोना की गाइडलाइन आएंगी शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है, फ्लाई ओवर का काम का भी शिलान्यास हो गया, वो भी शुरू हो रहा है। सीवर लाइन चुनाव के बाद शुरू करेंगे, पैसा आ गया है। तो यानी भूपतवाला क्षेत्र के लिए जितने काम थे हमने सारे पूरे किए। आज चूँकि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार हम सभा नहीं कर सकते थे, बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने खाली सिंपली इस सारे काम को यहाँ संपन्न किया है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने इसका शिलान्यास किया है और ये उत्तरी हरिद्वार की बहुत पुरानी मांग थी कि अस्पताल निर्माण हो, आम जनमानस को इसका निश्चित लाभ मिलने जा रहा है। और एक गरीब वर्ग जो कहीं ना कहीं परेशान होता था, जब जाम की स्थिति होती थी हरिद्वार के अंदर, कावड़ आती थी, इन सब चीज़ से निजात मिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में अपने चुनाव में पहले किए थे, उन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने इस बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, वो 60 पार का नारा पूरा होगा और हरिद्वार की धरती से निश्चित इस बार 60,000 वोटों से माननीय मदन कौशिक चुनाव जीत के जाएंगे।